हिंदी सिनेमा का वो कलाकार जिसने विलन के रोल की परिभाषा ही बदल दी। एक ही शख्स ने इतने प्रकार के विलन का रोल अदा किया कि लोग उसको देखते ही रह गए। बच्चे तो क्या, बड़े भी देखकर उसको पर्दे पे खौफ खा जाते। फिल्मों में क्रूरता ऐसी कि लोग रियल लाइफ में भी नफरत करने लगे। उन्होंने हर किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग समझने लगे कि ये ऐसे ही जैसे ये पर्दे पे दिखते हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों के पर्दे पर विलेन के रोल में अपनी जबरदस्त आवाज और डायलॉग से लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले अभिनेता अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माँ का नाम वेद कौर था। उनके चार भाई बहन थे। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से ही की। उसके बाद उन्होंने शिमला के बीएम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े क्योंकि उन्हें रंगमंच से बहुत लगाव था। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से हुई एक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे बाद में भारतीय रंगमंच के पर्याप्त कलाकार बन गए। रंगमंच के सफल कलाकार बनने के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से की। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे रोल किए जिसे बॉलीवुड में कोई भी अभिनेता अभी तक न कर पाया है और न ही आगे कर पाएगा। उनकी फिल्म लोहा का लोग उनका देख के लोग डर ही जाते थे। उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में की और वो एक अपने पास बहुत छोटा सा रिवाल्वर रखते थे और उसी से वो जेब से मारते थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बंदूक लें, अक्सर वो छोटी बंदूक ही लेते थे। फिल्मों में अगर वो सपेरा बन गए हैं तो समझ लो वो नचाकर ही मानेंगे। नागिन से जब तक मणि नहीं निकलवा लेते तब तक वो मानेंगे ही नहीं। अगर बंदूक उठाए डाकू बन गए तो फिर सबको साफ करके ही उन्हें वो मानना है। कई फिल्मों ने उन्हें डाकू का किरदार निभाया और जिसे देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा। और पुलिस भी जब बनते थे तो बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ उसमें रोल निभाते थे। फिल्म में जब पायलट बाबा बने थे तो देखने वाले थे। डायलॉग भी उसके बहुत अच्छे हैं। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगता, उसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सुनील शेट्टी के साथ में, बहुत अच्छी फिल्म है। हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान रखते और हमेशा बाजी पलटने की कोशिश करते और बहुत बार बाजी पलट भी देते थे। वो हमेशा ये नहीं कि एक ही रफ्तार से चलते रहे। जब भी मौका मिलता चोरी कर लेते और इल्जाम हीरो के या हीरो के रिलेटिव पे डाल देते और उसकी माँ पे और उसको फिर आखिर में मरवा देते। बीन पकड़ते जब तक वो नाग से नागिन मणि नहीं लिखवा लेते तब तक मानते ही नहीं। वो सपेरे बनते, कहीं ठाकुर बनते तो जुल्मों की इंतहा कर देते। फिल्मों में कोयला फिल्म में राजा साहब बने हैं तो उसमें देखो कितना ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं। ये अपने ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते थे, मसलन सिर्फ एक ही जैसा फेस लेकर के विलेन नहीं बनते थे। हर फिल्म में इनके बाल स्टाइल फेस सब कुछ बदल जाता था। मोगैम्बो का लुक अलग है एंड ठाकुर का लुक अलग है। जब दीन दुखी बनते तो लगता है दुनिया में इनसे ज़्यादा कोई दुखी इंसान ही नहीं है। ऐसे मतलब इतनी शानदार एक्टिंग करते हैं जिससे लगता है कि रियल में सब कुछ हो रहा है। अमरीश पुरी जी हमेशा से ही हमारे फेवरेट रहे हैं। वो जादूगर उसमें अजूबा फिल्म में जादूगर बने हैं और बहुत ही मतलब और गुंडे भी बने। मिथुन के फिल्मों में तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मिथुन और सनी देओल के साथ बहुत ज़्यादा। वो तहलका में देखो डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। तहलका मूवी बहुत अच्छी है और उसमें धर्मेंद्र और तीन लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं और भी तीन चार लोग हैं, मुकेश खन्ना वगैरह। बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसी में ये जनरल डांग बने हुए हैं। इनको बहुत ही मतलब अपमानजनक भाषाएँ कहते हैं धर्मेंद्र उनको और ये भी। वो बहुत अच्छी फिल्म है, मूवी डायलॉग बहुत अच्छे हैं। दूध के कर्ज में ये मंदिर से तीन लोग हैं, मंदिर से जोरा चुना लेते हैं और जेकी शराब के ऊपर इल्ज़ाम कर देते हैं जिससे कि वो उनके गांव वाले उनको मार देते हैं। ये मतलब दामिनी में वकील बने हैं, आप इनको देखें। अगर पुरानी फिल्में देखना है, इनको समझना है तो आप पुरानी फिल्म देखें। बॉलीवुड फिल्म अगर समझना है तो पुरानी फिल्में ही देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होती है इनकी। और ये जल्दी कभी हार नहीं मानते, अपने आदमियों को भेज भेज के उनको नाक में हीरो के दम कर देते हैं। कहीं उनकी माँ को उठवा लेते हैं तो कहीं उसकी बहन को, कहीं उसके रिलेटिव को मरवा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और जब अशरफ अली बनते हैं तो ये इतना अशरफ अली लगते हैं कि इतना असल वाला अशरफ अली भी इतना अशरफ अली नहीं लगता जितना ये अशरफ अली लगते हैं। धरोहर सिंह पुजारी जब बनते हैं तो इनको देखने वाला आदमी डर जाता है, इतना खूंखार लुक बनाते हैं ये जिसको जवाब नहीं। मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो अमर हो गया इनका किरदार, जो देखता है वो बहुत से लोगों ने। किसी किसी फिल्मों में इनका लुक बिल्कुल ही है तिरंगी, आधा सिर काला कर लिया और आधा सिर से वो मतलब उसमें वो रोड वगैरह बना दिया। कोयला के राजा साहब हमेशा दुराचारी ही बनते, नायक के मुख्यमंत्री।
ये आदमी सही रोल बहुत कम ही किया है, और जो इसने किया है उसने उतने रोल इसने सब विलेन वाले ही किए हैं। कभी इसने किया है सभी सही रोल इतिहास में इसने किया है, सॉरी इसने नहीं इन्होंने। ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इन्हें सम्मान के हकदार हैं। इन्होंने बॉलीवुड को वो कुछ सब कुछ दिया है जो बहुत से एक्टर अभी भी नहीं दे पाए। इनके ऊपर ठाकुर वाले रोल जमते हैं। ये जब ठाकुर बनते हैं तो लोग इनसे वाकई में परेशान हो जाते हैं, और ये फिल्म दिव्या शक्ति में विदाउट गोली अपने ऊपर ही बार बार बंदूक दागते रहते हैं, भगवान को धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं। इनकी गर्दन टेढ़ी होती है। और जीत फिल्म कौन भूल सकता है, उसमें इनका जो रोल है वो तो अलग ही है, कमाल का है। कानों पर बहुत ज्यादा इनके बाल उसमें हुए। अशरफ अली बन जाए तो असली अशरफ अली इनके आगे फीके पड़ जाएं, वो खुद को न पहचान पाए, वो शर्मा जाएं। एक जमाने में दोस्तों इनके नाम से बिकती थी फिल्में, और ये फीस अपनी कम नहीं करते थे। और इनमें एक खूबी और थी, ये अपनी आवाज ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किसी को करने देते थे, बस थोड़ा बहुत हो गया फिर ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका मानना था जो कुछ है बस मेरी आवाज ही है, और उसी दमदार आवाज की वजह से ही बॉलीवुड में टिका हुआ। तो दोस्तों क्या आप भी मेरी तरह अमरीश पुरी जी को मिस करते हैं?